प्रिय दर्शकों, तो कैसे हैं आप सब? आज की जो कहानी है यह बड़ी ज्ञानवर्धक है। इसका नाम है पाप की गठरी। पाप हर इंसान करता है। ऐसा इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पाप न करता हो। लेकिन पाप की गठरी किसके सर पर रखी जाती है? कौन है वह व्यक्ति जिसके सर पर पाप की गठरी रखी जाती है और वह संसार का सबसे बड़ा पापी होता है? आज की कहानी में आप इसको जानोगे। आज की जो कहानी है बड़ी पावन और पवित्र होने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी को जो इंसान ध्यान लगाकर और मन से सुन लेता है उसके जीवन में समस्त प्रकार के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में चाहे उस व्यक्ति ने कितने भी पाप किए हों, कितने भी बुरे कर्म किए हों, उन सभी से उसको मुक्ति मिल जाती है और वह निर्दोष निरपति हो जाता है। कहा जाता है कि जिस तरीके से गंगा में नहाने से पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, उसी तरीके से इस कहानी को ध्यान मग्न होकर सुनने से चित्रमन हो जाता है। सभी पापों से हमें उस कहानी से मुक्ति मिल जाती है। जाने अनजाने में पाप हर व्यक्ति करता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप ना करता हो। हम ना चाहते हुए भी हमसे पाप हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस पाप के भागीदार बन जाते हैं। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है कि कदली वन में एक नीलकंठ और नीलकंठनी रहते थे। उनका जीवन बड़ा सुखमय था। दोनों पति पत्नी अपना जीवन सुखी तरीके से गुजार रहे थे। उनके जीवन में कभी कोई संकट आया ही नहीं था। वह दोनों कभी यह ही नहीं जानते थे कि दुख होता क्या है, संकट होता क्या है। इस बारे में दोनों को भय भी नहीं था। उनका जीवन बड़ा सुखमय था। लेकिन कहते हैं ना कि सुख के बाद हमेशा दुख ही आता है। कुछ ऐसा ही नीलकंठ और नीलकंठनी की पत्नी के साथ होने वाला है। एक दिन की बात है कि आसमान में काले काले बादल मंडराने लगते हैं और पूर्व दिशा में जोरदार तूफान उठता हुआ आता है। जोरदार बवंडर आता हुआ दिखाई देता है। तब नीलकंठ और नीलकंठनी की पत्नी उड़कर एक बट वृक्ष में जाकर बैठ जाते हैं। उस बट वृक्ष में काफी सारे जीव जंतु रहते थे। काफी सारे पक्षी अपना घोंसला बनाए हुए थे। काफी सारे पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे थे। काफी सारे पक्षियों के अंडे रखे हुए थे। उस बट वृक्ष में नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी दोनों जाकर बैठ जाते हैं और बट वृक्ष को अपने पैरों से मजबूत पकड़ लेते हैं। जब पूर्व दिशा से जोरदार बवंडर आता है तो बट वृक्ष को झकझोर के रख देता है। तूफान की वजह से उसे बट वृक्ष में काफी सारे पक्षियों के अंडे नीचे गिरकर फूट जाते हैं और काफी सारे पक्षियों के छोटे बच्चे घोंसले से नीचे गिर के मर जाते हैं। काफी सारे उड़ने वाले पक्षी तूफान की वजह से खत्म हो जाते हैं और अन्य कई जीव जंतु मारे जाते हैं। इतना तगड़ा तूफान आया था। जब तूफान खत्म हो जाता है, तूफान थम जाता है, तूफान रुक जाता है, तब नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी चैन की सांस लेते हैं और नीचे जमीन पर उतर कर देखते हैं कि काफी सारे पशु पक्षी जीव जंतु मरे हुए पड़े हैं। काफी सारे छोटे छोटे बच्चे भी
मरे हुए पड़े हैं। यह देखकर नीलकंठ की पत्नी बड़ी दुखी हो जाती है और नीलकंठ की पत्नी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ से कहती है कि पिया जी, आज हमसे बड़ा भारी पाप हुआ है और हम बड़े भारी पाप के भागीदार बन गए हैं, क्योंकि हमारे रहते हुए इतने सारे पक्षियों के अंडे और पास में इतने सारे जीव जंतु मरे पड़े हैं। हमारे रहते हुए इतने सारे जीव जंतु मर चुके हैं, इसलिए यह सारा पाप तो हमें लगेगा। यही सोचकर नीलकंठ की पत्नी बड़ी दुखी होती है। नीलकंठ अपनी पत्नी को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नीलकंठ की पत्नी को एक भी बात समझ में नहीं आती है। नीलकंठ कहता है कि हम पाप के भागीदार नहीं हैं, कि पाप का भागीदार वह है जो यह बवंडर को लेकर आया था और इस बवंडर की वजह से काफी सारे जीव जंतु मर चुके हैं, इसलिए हम पाप के भागीदार नहीं हैं। लेकिन नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ की बातें सुनने के लिए राजी ना थी, तो नीलकंठ अपनी पत्नी को एक ऐसे सुनसान स्थान पर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनना और इस कहानी के माध्यम से तुम्हें यह पता चलेगा कि सबसे बड़ा पाप का भागीदार कौन होता है। तब नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाता है और नीलकंठ की पत्नी बड़े ध्यान से चित्रमगन होकर उस कहानी को सुनती है। नीलकंठ कहता है कि एक नगर में एक राजा रहता था। वह राजा बड़ा दयालु प्रतिपत्त का था। तो राजा विचार करता है कि मैं रोज 100 अंधे लोगों को खीर का भोजन खिलाया करूंगा। अब राजा यह निर्णय लेता है कि मैं रोज 100 अंधे लोगों को खीर का भोजन खिलाया करूंगा। वह राजा रोज 100 अंधे लोगों को खीर खिला दिया करता था और अंधे लोगों को खीर खिलाकर अब उसकी काफी दिन निकल जाते हैं। काफी समय से वह अंधे लोगों को खीर खिला रहा था, लेकिन एक दिन की बात है कि जिस दूध से वह राजा खीर बनवाया करता था, उस खीर में एक सांप मर जाता है और सांप उस दूध में मुंह देकर उसमें जहर उगल देता है। इस घटना का किसी को पता ही नहीं चलता है कि दूध में सांप ने जहर मिला दिया है। फिर उस दूध को खीर बनवाने के लिए भेज दिया जाता है और खीर बनाई जाती है और खीर बनाने के बाद उन 100 अंधे लोगों को खिला दी जाती है। जैसे ही वह 100 लोग खीर खाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, वे लोग खत्म हो जाते हैं। जब राजा को यह पता चला कि जिन अंधे लोगों को राजा खीर खिलाया करता था उन लोगों की खीर खाने से मृत्यु हो गई है, तो राजा बड़ा दुखी होता है। वह राजा यह आदेश देता है कि सबकी जांच की जाए, इन खीर खाने वाले अंधों की मृत्यु आखिर कैसे हुई। अब राजा के सैनिक यह जांच करते हैं तो जांच में यह बातें होती हैं कि सांप का विष मिल जाने से इन लोगों की मृत्यु हुई है। अब राजा यह आदेश देता है कि सांप का जहर मिलाने वाला कौन है। फिर से राजा के सैनिक जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल में यह पता चलता है कि किसी ने भी जहर नहीं मिलाया है। उस जांच पड़ताल में यह बातें होती हैं कि किसी भी मनुष्य ने किसी भी व्यक्ति ने खीर में जहर नहीं मिलाया है। उनको यह पता चलता है कि कोई काला सर्प यहाँ पर आया था और उसने इस दूध के अंदर जहर मिला दिया है। उसके बाद राजा बड़ा दुखी होता है और सोचने लगता है कि इन 100 लोगों की हत्या का पाप
मुझे लगेगा मैं ही सबसे बड़ा पाप का भागीदार हूँ, क्योंकि मैं ही इन अंधे लोगों को खीर का भोजन खिलाया करता था। लेकिन अब इन लोगों की खीर खाने से मृत्यु हो गई है, इसीलिए मैं बड़े पाप का भागीदार हूँ। यह सोचकर राजा अपने राजपथ को त्याग देता है और सोचने लगता है कि क्यों ना मैं किसी जंगल में जाकर भगवान की भक्ति करूं, अपने इन पापों का प्रायश्चित करूं। यही सोचकर राजा राजपथ को छोड़कर भगवान की भक्ति करने के लिए अपने राज्य से रवाना हो जाता है। राजा दिन भर चलता है, काफी दूर निकल जाता है, काफी दूर पहुंच जाता है। अब राजा को संध्या काल का समय हो जाता है, तब राजा एक नगर में जाता है और नगर के चौपाल पर काफी सारे लोग बैठे हुए थे। उन लोगों से जाकर वह राजा पूछता है कि भाई, इस नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति करता हो, ईश्वर पर विश्वास रखता हो? यदि ऐसा कोई इस नगर में व्यक्ति है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के घर ही जाकर रहूंगा जो भगवान के ऊपर विश्वास रखते हूँ और भगवान के भक्त हूँ। तब चौपाल में बैठे हुए लोगों में से लोग कहते हैं कि मुसाफिर, हमारे इस नगर में सिर्फ एक ही घर ऐसा है जहाँ एक बहन और एक भाई रहते हैं। दोनों बहन भाई वे लोग भगवान के बड़े भक्त हैं और भगवान पर बड़ा विश्वास रखते हैं। हमारे पूरे नगर में वही घर है। चौपाल में बैठने वाले लोग उस राजा को उन भाई बहनों के मकान का पता बता देते हैं और वह राजा उनके घर में चला जाता है और उन बहन भाई के घर पर जाकर वह राजा रात्रि ठहरने का निवेदन करता है। दोनों बहन भाई राजा से कहते हैं कि मुसाफिर, हम भी भगवान के भक्त हैं, आप भी भगवान के भक्त हो, बिल्कुल आप हमारे घर रुक सकते हैं। वह राजा दोनों भाई बहनों के घर पर रुक जाता है। जब सुबह का वक्त होता है तो राजा अपने बिस्तर से खड़ा होता है तो राजा देखता है कि उस घर में रहने वाली जो बहन थी वह भगवान के मंदिर में बैठी हुई ध्यान मग्न है। उस लड़की का रोज का नियम था कि सूर्य उदय होने से पहले वह अपनी पाठ पूजा संपन्न कर लेती थी और जल्दी भोजन लाकर अपने भैया को खिलाकर और काम करने लिए देती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की काफी समय तक ध्यान में मग्न थी। वह लड़की अपनी ध्यान साधना तोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। काफी समय निकल जाता है, सूर्य सर पर आ जाता है, तब वह लड़की अपनी पूजा से उठती है। जैसे वह लड़की पूजा से उठती है तो उसका भाई उससे कहता है कि बहन, आज तुमने पूजा में बड़ा टाइम लगा दिया, मुझे काम पर जाना था, मैं भी काम पर नहीं जा पाया और हमारे घर पर यह मुसाफिर है, यह भी भोजन करने के लिए कहीं दूर जाते, लेकिन तुमने अपनी पूजा पाठ में बहुत समय लगा दिया। वह लड़की अपने भाई से कहती है कि भैया, मैं धर्मराज के दरबार में थी और धर्मराज किसी ऐसे व्यक्ति का फैसला करने वाले थे, उस फैसले को सुनाने के लिए मैं काफी लेट हो गई। तब उस लड़के के भाई कहता है कि ऐसा क्या देख लिया तुमने धर्मराज के दरबार में जिसके कारण तुम इतनी लेट हो गई? तब वह लड़की कहती है कि भैया, एक नगर का राजा 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करता था और वह खीर बनाने वाले दूध में एक दिन एक काले सर्प ने जहर मिला दिया और जब उस दूध की खीर बनी और उन 100 अंध लोगों ने उस खीर को ग्रहण किया तो उन सब अंधे लोगों की मृत्यु हो गई। अब धर्मराज यह फैसला करने वाले थे कि पाप का भागीदार कौन है, वह राजा या वह नाग जिसने दूध में विष मिलाया दी
था या फिर वह लोग जो रसोई में काम कर रहे थे, जिन्होंने दूध को उघरा छोड़ दिया था, दूध पर ढक्कन नहीं रखा था। अब इन तीन लोगों का धर्मराज फैसला करने वाले थे कि पाप का भागीदार कौन है। तीनों की बराबर के दोषी हैं, तो पाप का भागीदार आखिर कौन है, राजा या सांप है या रसोइयां। इसी फैसले को सुनने के कारण मैं लेट हो गई थी। उस लड़की की बात को राजा भी सुन रहा था। जब राजा ने इस बात को सुना तो राजा अपनी बात को सुनकर बड़ा चकित हो जाता है। राजा सोचने लगता है कि यह सारी घटना मेरी है। तब राजा इस बात को और जानने का उत्सुक होता है और वह राजा उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की से कहता है कि बेटी, क्या फैसला होगा, आखिर कौन है पाप का भागीदार। राजा इस बात को उस लड़की से पूछता है तो लड़की कहती है कि आज कोई फैसला नहीं हो पाया, फैसला कल होगा। कल इसका फैसला होगा कि पाप का भागीदार कौन है। अब राजा उन दोनों बहन भाइयों से कहता है, क्या मैं एक दिन और आपके घर रुक सकता हूँ। इस बात को सुनकर दोनों भाई बहन हंसी खुशी उसको रोकने के लिए कहते हैं कि मुसाफिर, आप हमारे मेहमान हैं, आप जितने दिन चाहें उतने दिन हमारे घर में रह सकते हैं। वह राजा इसलिए रुकता है कि दूसरे दिन वह जानना चाहता था कि फैसला क्या आता है, कौन है पाप का भागीदार, राजा या सांप या रसोइयां। इस बात को जानने की इच्छुक राजा दोनों बहन भाइयों के घर रुक जाता है। उधर चौपाल पर रहने वाले जो लोग थे, चौपाल पर बैठने वाले जो लोग थे, वे लोग बातें करते हैं और वे लोग कहते हैं कि कल जो मुसाफिर इन दोनों बहन भाइयों के घर पर आया था, वह मुसाफिर कुछ ठीक नहीं लगता है। सुंदर लड़की को देखकर यह मुसाफिर यहाँ पर ठहर गया। कल तो यह दूसरी रात भी अभी रुकना है। लगता है यह मुसाफिर इस लड़की को लेकर जाएगा। लगता है यह मुसाफिर इस लड़की की इज्जत लेकर जाएगा। लगता है यह मुसाफिर इस लड़की को लेकर भाग जाएगा। इस तरह की बातें चौपाल पर बैठने वाले लोग करते हैं। चौपाल पर बैठने वाले लोगों की इन बातों को वह राजा भी सुन रहा था, लेकिन राजा उनको कोई जवाब नहीं देता है। राजा बिल्कुल मौन रहता है कि राजा को सिर्फ यही जानना था कि पाप का भागीदार कौन है। जैसे ही दूसरा दिन होता है, वह लड़की ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा में बैठ जाती है और ध्यान में मग्न होकर ध्यान करती है। लेकिन उस दिन वह लड़की बड़ी जल्दी अपनी पूजा से उठ जाती है। जैसे ही वह लड़की अपनी पूजा से उठती है तो वह राजा उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि बेटी, क्या फैसला हुआ, कौन है पाप का भागीदार, राजा है या सांप या रसोईया। जब वह लड़की कहती है कि मुसाफिर, तीनों में से कोई पाप का भागीदार नहीं है, आपका भागीदार तो वह लोग हैं जो चौपाल में बैठकर बात कर रही हैं। वह लड़की कहती है कि मुसाफिर, धर्मराज के दरबार में जो पाप के भागीदार थे वह सांप था, लेकिन सांप अपनी भूख शांत करने के लिए उसने दूध में मुख दिया था और दूध पीने के बाद वह वहां से चला गया था। अब इसमें सांप का कोई दोष नहीं था, क्योंकि भूखे को भोजन बहुत जरूरी होता है, इसीलिए सांप का कोई दोष नहीं था। सांप का पाप माफ कर दिया जाता है। उसके बाद नंबर आता है राजा का, क्योंकि राजा ही खीर बनवाया करता था, इसीलिए दूसरा नंबर राजा का आता है। लेकिन राजा भी स्वयं अपने हाथों से काम नहीं कर रहा था। राजा भी दूसरे लोगों को पैसे देकर उनसे कार्य को करवाता था। परामर्श का काम राजा करता था, इसीलिए राजा को भी निर्दोष घोषित किया गया है।
राजा भी पाप का भागीदार नहीं है। तीसरा नंबर आता है रसोइयों का। रसोइयों का भी पाप का भागीदार नहीं बनाया गया। फिर से राजा पूछता है, तो फिर पाप का भागीदार बना कौन? लड़की कहती है कि सबसे बड़ा पाप के भागीदार वह लोग हैं जो चौपाल पर बैठकर उस राजा की निंदा कर रहे हैं, उस राजा को खरी खोटी सुना रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, अपने घर का अनाज खाकर दूसरे की निंदा कर रहे हैं। वह लोग सबसे बड़े पाप के भागीदार हैं जो चौपाल में बैठकर वे लोग उस मुसाफिर के बारे में कह रहे थे कि मुसाफिर सुंदर लड़के को देखकर इस घर में रहना चाहता है और इस लड़की को लेकर भागेगा, इस लड़की की इज्जत लेकर जाएगा। उन लोगों को सबसे बड़ा पाप का भागीदार बताया गया है। नीलकंठ अपनी पत्नी से इस बात को कह रहा था और नीलकंठ की पत्नी बड़े ध्यान से सुन रही है। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, सबसे बड़े पाप के भागीदार वो लोग होते हैं जो एक दूसरे की निंदा करते हैं, वही होते हैं सबसे बड़े पाप के भागीदार। उन लोगों के सर पर पाप की गठरी को रखा जाता है। जो लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं उन लोगों के सर पर पाप का बोझ रखा रहता है। जो लोग एक दूसरे को तेरी मेरी करते हैं। नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ की यह बात समझ जाती है और नीलकंठ की पत्नी अपने दिल को संतुष्ट करती है। नीलकंठ की पत्नी सोचने लगती है कि अब हम पाप के भागीदार नहीं हैं। आप पाप के भागीदार तो वह है जो निंदा करते हैं। अब नीलकंठ की पत्नी अपने दिल को संतुष्ट कर लेती है। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, इस संसार में जो इंसान सुखी रहना चाहता है वह कभी भी किसी की निंदा ना करे। जो लोग निंदा करते हैं वे पाप के भागीदार हो जाते हैं। उन लोगों के पाप के भागीदार वह लोग बन जाते हैं जो निंदा करते हैं। उन लोगों का सारा पाप उनके सर मत दिया जाता है। जो लोग निंदा करते हैं, जो लोग दूसरों की खुशी देखकर दुखी हो जाते हैं और फिर उनकी निंदा करने लगते हैं, उन्हें हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, वही लोग सबसे बड़े पाप के भागीदार होते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी यहाँ पर खत्म होती है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी और आप लोग कभी भी किसी से निंदा नहीं करेंगे और पाप के भागीदार बनने से सदा बचेंगे। तो जाते जाते एक बात कहूंगी, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।